आई रेड इन द न्यूज़पेपर टुडे, एक आर्टिकल आया था अरुणाचल टाइम्स में, उस पर इट्स मेंशन दैट कि अभी जो 18 साल से 44 इयर्स के लोगों के लिए अभी वैक्सीन, कोविड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फिलहाल, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ आस्किंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो पढ़ा है। लेकिन इसमें एक जो सरप्राइजिंगली वाली बात ये है कि एक बार ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी हमारे जो गवर्नर साहब के साथ, उस पर सारे जितने भी राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे, सबने कहा था, सबने प्रेशराइज किया था, स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेशराइज किया था कि जो है वैक्सीनेशन का स्टॉक है उसको चेक किया जाए, बिकॉज इट वॉज वेल र्यूमर्ड कि वैक्सीनेशन की कमी है, और वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि बाहर स्टेट में वैक्सीन की कमी है तो लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है तो लोग मर रहे हैं। तो वो सब चीज़ को नज़र में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत ही प्रेशर किया था और बहुत ही सिंसियरली प्रेजेंट किया था गवर्नर को कि ये जो वैक्सीन का जो स्टॉक है उस पर चेक किया जाए। लेकिन शायद हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अभी शॉर्टेज है वैक्सीन का। अब ये देखिए कि अभी जो इंक्रीज़, आपने जैसा कहा है कि स्प्रेड एंड इंक्रीज ऑफ कोरोना केसेस इज राइजिंग, स्पीडली राइजिंग, तो फिर इसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन है, आप 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दे रहे हो, लेकिन अभी जो है ट्रेंड चेंज हो गया है, जो हम कहते हैं ना सेकेंड वेव ऑफ कोविड, उस पर ट्रेंड चेंज हो गया है और ये जो वायरस है मोर डेंजरसली वापस आया है। तो ट्रेंड कैसा चेंज हुआ है कि पहले जो था कि बुज़ुर्ग लोगों पे ज़्यादा अटैक होता था, ज़्यादा उस पर जो वायरस जो है जल्दी संक्रमित हो जाता था ड्यू टू मेनी रीजंस, अब क्या है कि अब ये देखिए कि हमारा जो है ये सेकेंड वेव के अंदर में जो यंगस्टर है, जो यंग पॉपुलेशन है, उन पे ज़्यादा जो है संक्रमित हो रहा है वायरस, जो उनको ज़्यादा अटैक के अंदर अपने चपेटे पे ले रहा है, तो उनको वैक्सीनेट करना, जो यंग पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट वॉज मैंशनड, ये तो हर जगह टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह चर्चा चल ही रहा था। तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अलोंगसाइड जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, उसको रेडी रहना चाहिए था, वैक्सीन का स्टॉक करके रखना चाहिए था। सडनली अभी 1 मई को वैक्सीनेशन था 18 से लेके 44 ईयर्स के बीच के लोगों का, अब सडनली कल परसों है और सडनली कहता है कि वैक्सीन स्टॉक में नहीं है, वैक्सीन ख़त्म हो गया है, सो द स्टेट गवर्नमेंट इज़ पोस्टपोनिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ पीपल हु आर बिटवीन 18 to 44। ये तो बहुत धोखाधड़ी वाला बात हुआ ना। अब कहाँ हम लोगों को, ये जो यंग पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम है, जिसका एक्सपोजर होता है डे टू डे लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, जॉब के लिए निकलना पड़ता है, तो ये सबको क्या हम भगवान भरोसे छोड़ दें? जब आप इलेक्शन करवाते हो तब कोरोना ख़त्म, इलेक्शन का प्रचार कराना होता है कोरोना ख़त्म, बहुत सारा जो मेला लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुंभ मेला लगा है तो उस पर कोरोना ख़त्म, लेकिन जब आती है पब्लिक सेवा का, वैक्सीनेशन देना होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है, क्वारंटाइन सेंटर खोलना होता है, लोगों का जो ज़िंदगी दांव पे लगा है, तब आपका कोरोना फैल रहा है, पैसा नहीं है और फिर इसके बाद वैक्सीनेशन नहीं है, ये तो बहुत दोगलापन हो गया ना, ये तो मास मर्डर है। हमारा पीएम मोदी से लेकर हमारा जो स्टेट सीएम है मिलकर एक षड्यंत्र रच रहा है मास मर्डर का, अपने हाथों से अपने जनताओं का मर्डर कर रहा है। तो अभी ये जो वैक्सीनेशन की कमी को हमारा जो पार्टी है, यही एक अपील है कि डिमांड है रादर कि ये वैक्सीनेशन की कमी को पूरा करे, और हर जो है जैसे कि मई 1 से जो ऐलान किया है देने के लिए वैक्सीन यंग पॉपुलेशन को, उसको दे, किसी भी हालत में उसको दे, क्योंकि ये जो सरकार है बीजेपी वाली, उन्होंने इनफ
पीएम केयर सीएम केयर के नाम से इनफ पब्लिकों से धन लूटा है, हर ऑर्गेनाइजेशन से धन लूटा है, बाहर कंट्री वालों ने मदद किया है, डेवलपिंग कंट्री वालों ने इंडिया को मदद किया है वैक्सीन प्रोक्यूर करने के लिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उन लोगों के पास अभी इंडिया के पास और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास फिर पैसा क्यों नहीं है वैक्सीन बनाने का? और ये क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है कि अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन बना नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है? तो ये तो दोगलापन है ना, ये सरासर एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और बहुत बड़ा बिजनेस प्लानिंग कर रहा है, पब्लिक को है बुद्धू बना रहा है और पब्लिक को यहाँ स्केपगोट बलि का बकरा बना रहा है, पब्लिक का फन, पब्लिक का खून, पब्लिक की कमाई सारा चूस के ख़त्म करने वाला है। मैम, आपने अभी अभी जैसे कहा कि वैक्सीन नहीं है, बहुत लेट से इन्फॉर्म किया है, एंड प्लस कल ही प्राइवेट होटल्स, जो दो प्राइवेट होटल्स है उसे कोविड केयर सेंटर बनाया है। डू यू थिंक दिस स्टेट गवर्नमेंट बहुत लेट रिएक्शन दे रहा है इसे, इस कोविड-19 को लेकर? ये जो आपने कहा है ना, दो होटल को ये क्या क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कराई है, आप ये देखिए, ये सब जो है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था जो है, आपका क्वारंटाइन सेंटर खोलना, ठीक है, फिर जितने भी हेल्थ सेंटर है, चाहे वो प्राइमरी लेवल में हो, सब सेंटर हो या टर्शरी लेवल में, कम्युनिटी लेवल में, सबको इक्विप कराना चाहिए, वहाँ जो है सारे जो पीपीईज मटेरियल पहुँच जाना चाहिए, जैसे हमारे स्टेट को सीखना चाहिए बाहर क्या है, बाहर इतना प्रॉब्लम चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लाखों में मर रहे हैं, वहाँ डेड बॉडी को जलाने का भी कोई सुविधा नहीं प्रदान हो रहा है, तो ये सब न्यूज़ में तो रोज़ देखते होंगे हमारे स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सब देखता है, तो देन द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, वैक्सीनेशन का हो या क्वारंटाइन सेंटर का हो या इक्विपिंग द फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, ये सबको पहले एडवांस में प्रिपेयर रहना चाहिए ना, बट दे आर बिजी इन यू नो कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड पार्टी मीटिंग्स, पार्टी सेलिब्रेशन, उसी पे ही लगा हुआ है। तभी करके मैं कहती हूँ कि ये सरकार जो है एकदम बिल्कुल निकम्मा है, कुछ कोई इस पे उन लोगों को पब्लिक सेवा करने की कोई उन लोग का इंटेंशन नहीं है, ये लोग बस लूटने में लगा हुआ है लोगों को, और अपना राजकोष जो होता है ना, जो स्टेट का जो ट्रेजरी होता है उसको खाली करने में लगा हुआ है, अपना एंटरटेनमेंट में लगा हुआ है, जैसे कि आपने अभी देखा है 9 करोड़ का जो राजकोष से 9 करोड़ दिया है किसी बॉलीवुड फिल्म को यहाँ टूरिज्म के नाम पे, तो इससे अच्छा आप यहाँ अपने जो हेल्थ सेंटर है उसको इक्विप कराते, हेल्थ वर्कर को इक्विप कराते, जो फ्रंटलाइन वर्कर है उसको इक्विप कराते, वैक्सीन प्रोक्योर करते। और हाँ, और एक बात है, जो हमारे जो डिसेबल लोग हैं, डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनका उन लोगों के लिए अभी तक सरकार ने क्या किया? उन लोगों के लिए तो कुछ किया नहीं ना, उनके घरों तक एसेंशियल कमोडिटी पहुंचाई जाती है ना, उनको कोई वैक्सीन रूटीन में कोई स्पेशल जो है स्पेस दिया जाता है, कोई स्पेशल सर्विस नहीं दिया, बेचारे लोग तो तड़प रहे हैं, बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड, जो डिफरेंटली डिसेबल लोग हैं ना, उनके घर में खाने पीने का कोई प्रबंध है, राशन पानी कुछ नहीं है, तो हमारा जो सरकार है ये जो है रियल मायने में, जो असल मायने में पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा है, हर चीज़ एडवांस में करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भविष्यवाणी होगा फिर उनको करना है, वो आँखों देखी टीवी में अखबारों में रोज़ न्यूज़ छपता है, तो उसके बेसिस में तो एडवांसली प्रिपेयर हो सकता है ना, और अभी बहानाबाजी कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चर नहीं हुआ या फिर कुछ नहीं हुआ, ये सब बहानाबाजी है, ये सरकार जो है टोटली फेल्ड गवर्नमेंट है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये पब्लिकों को बस एक बलि का बकरा बना के रखा है और पब्लिकों को जितना जमा पूंजी है वो खाने में तुला हुआ है। मैं पब्लिक का भी मेंशन किया, तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे इस कोविड-19 के सेकंड फेज पे जो है, इसके आप क्या क्या प्रिकॉशंस कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक? देखिए, पब्लिक को तो हम भी पब्लिक हैं वैसे तो पब्लिक को तो यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक ही मैसेज है, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी खोल रखा है, ये सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, हमारा जो कांग्रेस मॉनिटरिंग कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी है, ये पूरी तरह हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे, और फिर इसके बाद
जितने भी है हमारा जो पीसीसी जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ब्लॉक लेवल में भी अभी कमेटियाँ खोलने जा रही है, कोविड 19 मॉनिटरिंग कमेटी खोलने जा रही है। तो उसके अंतर्गत उसके द्वारा जितना भी हम लोग मदद कर सकते हैं वो मदद हम जरूर करेंगे। एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस द पब्लिक नीड रिगार्डिंग कोविड 19 तो हम लोग मदद करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हमारा कोई हेल्प मिलने वाला नहीं है। वैक्सीन नहीं दे रहा है, ना कि जो हमारा जो कहते हैं ना पीपीई का जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, आपका सैनिटाइज़र और जो ये मास्क जो हम लोग पहने हैं 10 रुपया का, वो भी आप स्कूल के बच्चों के लेवल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कोई उम्मीद नहीं है, बस पब्लिक से चंदा मांग के, हर संस्था से, हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, हर इंडिविजुअल से चंदा मांग कर ये लोग अपना जेबें भर रहे हैं। तो उन लोग से कोई उम्मीद नहीं है, बट हम लोग चाहेंगे कि जितने भी शॉर्टकमिंग्स है कि हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पब्लिकों की सेवा में अर्पित रहेंगे। जब तक ये जो पेंडेमिक है, महामारी ख़त्म नहीं होता है ग्राउंड से, तब तक हम लोग सेवा करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है कि हम आपको ये बता दें, एडिशनल पॉइंट है कि अभी जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड 19 के लिए, आप देखिए वहाँ इतनी भीड़ है, चाहे वो आरके मिशन हो, इटा फोर्ट हो या फिर आपका ट्रिम्स हो, वहाँ बहुत भीड़ हो रही है। आपको सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो हम लोग बोलते हैं ना बेसिक कोविड 19 का जो बिहेवियर है, बेसिक बिहेवियर वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। लोग सट के एकदम भीड़ में धक्कम धक्की करके लोग इंजेक्शन वैक्सीनेशन लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें कोविड वायरस फैलने का भी चांसेस है, तो उसमें वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं। तो ऐसे में बहुत लोगों तक वायरस स्प्रेड हो सकता है। और दूसरा बात ये है कि जो अभी जो वैक्सीनेशन है वो तो बस सिर्फ अर्बन एरियाज़ में दिखाई दे रहा है, रूरल एरिया का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ पता नहीं है, ना मीडिया रिपोर्टिंग है, ना अखबारों में आता है, ना हमारी सरकार कुछ अपने मुँह से बोलता है, उनके वेबसाइट में ना कुछ है, उनके फेसबुक अकाउंट में कुछ है, ना इंस्टाग्राम में है, ना ट्विटर में है, कुछ नहीं, कहीं कोई सोशल मीडिया में नहीं है। तो हम लोग का ये डिमांड है कि गांव-गांव में जाके वैक्सीनेट कराया जाए बुज़ुर्ग लोगों का, या फिर जो अभी 18 से 44 इयर्स का जो बताया है, गांव-गांव में एक मोबाइल वैन लेके वहां उन लोगों को जाके अवेयरनेस दिला के तब वैक्सीनेशन दिलाया जाए। तो ऐसे करके तो टारगेट अचीव होगा ना। और फिर दूसरी बात ये है कि जो आपका चेक पोस्ट है वहाँ पर VIP लोगों को छोड़ा जा रहा है, अरे कल परसों तो हम लोग भी गए थे, चेकिंग नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, लोग बिना मास्क पहने आना जाना करता है, जो बेसिक जो है कोविड 19 का बिहेवियर वो मेंटेन नहीं होता है। तो पब्लिकों से मेरा यही ये है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कोविड 19 का बेसिक बिहेवियर जो है आपका मेंटेन रखें, आप लोग मास्क पहने ज़रूरी है, और सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथ पैरों को, घर को साफ सुथरा रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और अननेसेसरीली कोई जो ग्रुपिंग है, कोई पार्टी है, कोई मास गैदरिंग है वो मत कीजिए, बिकॉज वी रियली नीड टू एलिमिनेट दिस पेंडेमिक, और वो आप सबके बिना, आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। और आप लोग ये जान लीजिए कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, दिस फाइट इज़ आवर फाइट, सरकार के भरोसे नहीं रह सकता है। वो सरकार जो है हमारा लोगों से डोनेशन मांगने में, स्टैचू बनाने में, इलेक्शन कराने में, मेला कराने में, पार्टी सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कराने में बिजी है उन लोग, और फिर इसके बाद अपने जो कैपिटलिस्ट फ्रेंड है उनकी जेबें भरने में बिजी है। हम लोग का कोई मदद नहीं होगा। जनता आपसे यही रिक्वेस्ट है, दिस इज़ आवर फाइट, वी नीड टू फाइट इट आउट। थैंक यू।